रायबरेली उत्तर प्रदेश की खाकी के अच्छे कारनामों को सरकार सार्वजनिक मंचों से बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज कसने से पीछे नहीं रहती। वहीं इसी खाकी की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अपने कारनामों से यह खाकी आम लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। ऐसा मामला रायबरेली में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दोनों पैरों से दिव्यांग व्हीलचेयर के सहारे चलने वाला राजश्याम पिछले चार दिनों से खाकी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन आला हाकिम के आदेश के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा। दिव्यांग अपनी जमीन को दबंग बचाने की कोशिश में मार भी खा चुका है। बड़े साहब से मिला, लेकिन थानेदार को चढ़ावा न चढ़ा पाने के कारण उसे न्याय नहीं मिला। बताते चले कि दोनों पैर से दिव्यांग राधेश्याम जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के मटियारा के शुनदास गाँव में अपने पिता के साथ रहता है। गाँव में उसकी पैतृक जमीन है, जिस पर गाँव के कुछ दबंग नजर गड़ाए हैं और जबरिया दिव्यांग से जमीन का बैनामा कराना चाहते हैं। पीड़ित ने जब बैनामा करने से मना किया तो 11 अगस्त को उसके साथ मारपीट की, जिसके निशान उसके शरीर पर साफ दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके साथ मारपीट हुआ। पीड़ित ने इसकी शिकायत गदागंज में की, लेकिन वहां से उसे न्याय नहीं मिला। तो 12 अगस्त को उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। साहब ने न्याय का भरोसा दिया, लेकिन जब वो थाने पहुंचा तो उसे थानेदार के कोप का भाषण बनना पड़ा और उसे 10,000 रुपए की मांग की गई। वही दबंगों के हौसले बढ़े हुए हैं और उसे वापस आने पर फिर से मारने का ऐलान कर रहे हैं। पीड़ित चार दिनों से अपने गांव नहीं जा रहा, इधर उधर भटक रहा है। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद क्या पुलिस प्रशासन के कान पर जू रेंगती है और क्या बेचारे दिव्यांग को न्याय मिलता है। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। राधे श्याम, कहाँ से आए हो? ग्राम सभा वासीपुरान, ग्राम मटियारा से। क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या हमको मारा पीटा जा रहा है और जमीन का जबरन बैनामा करवाना चाहते हैं। वो गुंडे किस्म के आदमी हैं। कौन है? राज बहादुर और पीयूष देवेश नितेश। का थाना कौन सा? थाना मेरा गदागंज लगता है। थाने गए, सुनवाई हुई? थाने गए सर, वहाँ पे हमें भगा दिया गया 11 बजे रात में, 11 तारीख को। कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई हुई। 12 तारीख को हमने SP ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिया है, लेकिन यहाँ से एक लोग पर गिरफ्तारी हुई है दोबारा, और 151 में चालान भेज दिया गया। उसके बाद SO साहब ने धमकी दिया कि अब दोबारा दोगे तो तुम्हारा भी चालान भेज के तुमको जेल में भेज देंगे। और कौन शामिल? उसमें प्रधान भी शामिल है, और प्रधान जो कहता है वही थाने वाले SO साहब करते हैं। कौन है प्रधान? प्रधान दीपू सिंह है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं वो लोग? 10,000 रुपये मांग रहे हैं कि FIR तभी लिखेंगे, आप 10,000 रुपये देंगे तब। कौन है ये SO साहब?